नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्च लाइट इंडिया पर। आज हम लोग नंबर सिस्टम के ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जिसको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, यानी कि मात्र कुछ ही सेकेंडों के अंदर आप उसका सही आंसर दे दीजिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है किसी संख्या में 36 से भाग देने पर शेषफल शेष 31 बचता है, तो इस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। किसी संख्या में 36 से भाग देने पर शेषफल 31 बचता है, तो इसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी मिले आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा जो पहले वाला जो शेषफल दिया रहता है उसी शेषफल में हम लोग भाग दे लेते हैं, और जो हमें शेषफल लास्ट में प्राप्त होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न में जो पहले वाला जो शेषफल है 31 है, उसी में हम जितना से भाग देने के लिए कह रहे हैं उतना से हम भाग दे लेंगे। यानी कि 31 में हम 12 से भाग दे लेंगे, दो बार में जाएगा 12 दुना 24 हो जाएगा, यानी कि 7 बच गया शेष, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 7। कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको मिले कि किसी संख्या में इतना से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, यानी कि 36 से भाग देने पर शेषफल 31 बचता है, तो इस संख्या को 12 से भाग देने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो पहले के रूप में जो शेषफल जो प्रश्न में जो दिया रहता है उसी शेषफल में हम लोग भाग दे लेते हैं जितना से भाग देने के लिए कहता है, और जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 बचता है, तो इस संख्या को 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 बचता है, तो इस संख्या को 47 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको मिले तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो पहले वाला जो शेषफल दिया होता है उसी में हम लोग जिस संख्या से भाग देने के लिए कहता है उतना से हम लोग भाग दे लेते हैं, और इस तरह से हमें जो भी शेषफल मिलता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो पहला वाला जो शेषफल है वो हमें 193 मिल रहा है, यानी कि शेषफल 193 बचता है, तो 193 में ही हम लोग 47 से भाग दे लेंगे, जो हमें शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 193 में 47 से हम भाग देंगे, 47 से भाग देंगे तो 4 बार में चला जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 4 4 16 17 1 18 हो गया, यानी कि 188 हम घटाएं तो हमारा 5 बचा शेष, यही हमारा आंसर हो जाएगा 5। कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, जो भी पहले वाला जो शेषफल होता है उसी में हम लोग भाग दे लेते हैं जितना से भाग देने के लिए कहता है उसमें हम भाग दे लेंगे, जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 बचता है, तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। कुछ नहीं करेंगे, जो पहले वाला जो शेषफल है उसी शेषफल में हम लोग जितना से भाग देने के लिए कहा गया है उतना से हम भाग दे लेंगे, जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 बचता है, हम लोग इसी 39 में भाग दे लेंगे, 17 से भाग देने के लिए बोला है 17 से भाग दे लेंगे, यानी कि 17 से भाग दे लेंगे, तो 39 में जब 17 से हम भाग देंगे तो 17 दुना 34 34 जाएगा, इस तरह से हमारा 5 शेष बच जाएगा, तो ही हमारा आंसर हो जाएगा 5। कुछ नहीं करेंगे, बस पहले वाले शेषफल में ही हम लोग भाग दे लेंगे जितना से भाग देने के लिए कहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न है हमारा, किसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेष 6 बचता है, तो उस संख्या में 14 से भाग देने पर हमें शेष क्या प्राप्त होगा। किसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है, तो उस संख्या में 14 से भाग देने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्वेश्चन पूछा है। तो पीछे के 2-3 क्वेश्चन में जो हम बतलाए हैं उसमें भाग लग जा रहा था, शेषफल में भाग लग जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 शेषफल बचता है, 6 में जब 14 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि जब शेषफल में भाग नहीं लगता है, तो इसी स्थिति में पहले वाला शेषफल ही हमारा आंसर हो जाता है। तो पीछे के प्रश्न में सारे प्रश्नों में भाग लग जा रहा था, किंतु इस प्रश्न में जो है भाग नहीं लग रहा है, तो भाग नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा पहला शेषफल ही हमारा आंसर हो जाता है। इस पॉइंट को नोट करके आप रख लेंगे, याद कर लेंगे, जब भाग नहीं लगता है तो पहला वाला शेषफल ही हमारा आंसर हो जाता है। अर्थात पहला शेषफल 6 है, 6 में 14 से भाग देने के लिए कह रहा है, यानी कि भाग हमारा नहीं लगेगा 6 में 14 से। इस स्थिति में, इस स्टेज में हमारा शेषफल जो होगा, पहले वाला जो शेषफल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, तो इस संख्या में 18 से भाग देने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम बतलाए हैं कि जब भाग नहीं लगता है तो पहले वाला शेषफल ही हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो पहला शेषफल है 5 है, इसमें 18 से यदि हम भाग देते हैं तो भाग हमारा नहीं लगेगा, यानी कि इस स्थिति में हमारा पहले वाला शेषफल ही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः फाइनली आंसर हमारा होगा 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले वाला शेषफल को ही हम लोग आंसर के रूप में मान लेते हैं, और आपका ऑप्शन में दिया रहेगा जो 5 देख करके आपका आंसर टिक कर दीजिएगा, फाइनली सही होगा। तो पहले वाला शेषफल में जब भाग देने के लिए क्या है, तो पहले वाला शेषफल में ही हम लोग भाग दे लेते हैं। जब भाग नहीं लगेगा तो ऐसी स्थिति में पहला वाला शेषफल ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है। किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल हमारा क्या प्राप्त होता है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, दोगुना का है, तीन गुना का है, यानी कल ही हमेशा दोगुना तिगुना होगा, उसको करके फिर जितना से भाग देने के लिए कह देगा उतना से हम लोग भाग दे लेंगे, जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाता है। यानी कि पहला जो शेषफल बच रहा है वह 3 है, और कह रहा है कि तिगुनी संख्या में, यानी कि 3 × 3 हमारा 9 हो गया। अब उसी को पहले वाला शेषफल को ही हम तिगुना कर लेंगे, यानी कि तिगुना किया तो 3 × 3 9 हो गया। अब 9 में हम लोग 4 से भाग दे लेंगे, 4 से भाग दे लेंगे, 2 बार में 8 गया, 1 बच गया शेष, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वर्ग का है, घन का है, तो पहला वाला शेषफल को ही स्क्वायर या क्यूब के रूप में कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग भाग दे लेते हैं उसमें। तो इस तरह से हमारा पहले वाला शेषफल ही 3 गुना कह रहा है, कि शेषफल को उससे तिगुनी संख्या में, तिगुनी कह रहा है तो उससे, यानी कि पहले वाला शेषफल को ही हम लोग तिगुना करेंगे, दुगुना कहेगा तो दुगुना करेंगे, यानी कि पहले वाला शेषफल में ही हमें परिवर्तन करना है। तो उसमें पहले वाले शेषफल को 3 गुना कर दिए, फिर उसके बाद में 4 से हम भाग दे लिए, जो हमारा शेषफल था वो हमें प्राप्त हो चुका, जो हमारा शेषफल आया वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो उससे दुगुनी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। यानी कि पहले वाला जो शेषफल है दुगुना का है, तिगुना का है, तो पहले वाले शेषफल को ही हम लोग दुगुना
तिगुना कहेगा तो तीन गुना कर लेंगे, फिर जितना से भाग देने के लिए कहेगा उतना से हम लोग भाग दे लेंगे और हमें जितना शेषफल हमें प्राप्त होगा वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दुगुना करने के लिए कह रहा है यानी कि 11 शेषफल बच रहा है, 11 को 2 से गुणा कर लेंगे यानी कि 11 दुना के 22 हो जाएगा। अब इसमें 6 से भाग देने के लिए कहा है तो 6 से भाग दे लेंगे तीन बार में 18, इस तरह से 4 शेष हमें बचा, अतः फाइनली 4 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि संख्या 4 3 2 * 8 1 7 9 से विभाजित हो तो अस्टार के जगह पर क्या होगा। 9 से विभाजित यानी कि सारे विभाजिता के नियम हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, तो जो लोग नहीं देखे होंगे उसे जाकर के प्लीज आप देख सकते हैं। तो इसको बनाते हैं यानी कि संख्या के रूप में हमारा दे दिया गया है इतना, इसमें एक अंक जो है वो स्टार के रूप में भी छोड़ दिया गया है, इसी स्टार के बारे में पूछा गया है, ये स्टार यानी कि कौन से डिजिट होंगे यहाँ पर। तो 9 से विभाजित होने का नियम यही है कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है और उसके अंकों का योग संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जा रहा है, 9 से विभाजित हो जा रहा है, तो समझिए कि वो संख्या भी 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी कि यदि इन सबको हम जोड़ते हैं तो इन संख्याओं के अंकों के योग यदि 9 से कट जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो अंकों का योग को हम लोग गिन लेते हैं यानी कि 8 7 15 हो गया, 15 1 16 हो गया, 16 2 18 हो गया, 18 3 21 हो गया, 21 4 25 हो गया यानी कि 25 हो गया। इसमें यदि हम अस्टार के जगह पर 2 लेते हैं तो 25 2 27 हो जाएगा यानी कि 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे अंकों का योग जो होगा 27 हो जाएगा, अर्थात वह 27 जो है 9 से विभाजित हो रहे हैं यानी कि पूरी की पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हम लोग स्टार के जगह पर 2 रख लेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा यानी कि जो कि 9 से विभाजित हो जाएगी, तो यानी कि स्टार के जगह पर हमारा 2 हो जाएगा आंसर। तो 27 जो होगी यानी कि अंकों का योग यदि 27 होता है तो 27 9 के टेबल से 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है यानी कि अंकों का योग भी हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा फाइनली जो होगा आंसर वो स्टार के जगह पर हम 2 रखेंगे तो 25 2 27 हो जाएगा। जब 27 हो जाएगा तो 27 9 के टेबल से विभाजित होता है, अतः यह पूरी की पूरी संख्या भी हमारा 9 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 6 3 5 7 6 अस्टार 2 पूर्णतया 8 से विभक्त हो। तो इसमें अस्टार का मान बतलाना है, वैल्यू बतलाना है कि क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा जो कि 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए वो संख्या। तो 8 से विभाजित होने का नियम यह होता है कि सैकड़ा दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर से सैकड़ा दहाई तथा इकाई अंकों से जो बनी संख्या लास्ट के बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह से कट जाएगी। अतः देखते हैं यानी कि सैकड़ा दहाई तथा इकाई अंकों से जो बन रही है संख्या हमारा 6 * 2, तो यदि ये तीन अंकों से जो लास्ट के तीन अंकों से जो संख्या बन रही है यदि वो संख्या 8 से पूरी तरह से कट जाएगी तो समझिए कि यह संख्या भी 8 से कट जाएगी, चाहे यह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो स्टार के जगह पर यदि हम 3 का मान रखते हैं तो 63 हो जाएगा यानी कि 8 से हम भाग देंगे तो 8 7 56 होगा यानी कि 63 में से 56 घट रहा है तो हमारा 7 बच रहा है, फिर ऊपर से 2 आ जाएगा यानी कि 72 हो जाएगा यानी कि 8 9 72 हमारा कट जाएगा, अतः स्टार के बराबर जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। यानी कि स्टार के जगह पर यदि हम 3 रखते हैं तो 632 हो गया यानी कि 8 से कट जाएगा 8 7 56 7 बचा 2 8 9 72 हो गया
यानी कि यदि ये तीन अंकों से बनी संख्या यदि सैकड़ा तथा दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या यदि कट जा रहा है तो संख्या भी पूरी तरह से कट जाएगी, यानी कि फाइनली हमारा आंसर जो होगा स्टार का मान 3 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।